तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल पांचाल अपने स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे पांचाल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हमने देशांतर और अक्षांश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और ये भी पढ़ा था कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है और हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आज हम देखते हैं भारत का मानक समय और जो भी हमने कल चार मुख्य अक्षांश पढ़े थे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इनका क्या उपयोग है ग्लोब में, तो देख लेते हैं। देखो बेटा, कल हमने देखा था कि ये हमारी पृथ्वी है, बीच में जीरो डिग्री अक्षांश, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर हमने कौन सी रेखा डाली थी, बोलिए, कर्क रेखा, बिल्कुल सही। और फिर हमने 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में कौन सी रेखा डाली थी, बोलो, मकर रेखा। इसी प्रकार हमने उत्तर में 66.5 डिग्री पर एक रेखा बनाई थी, ठीक है। ये वृत्त हैं पूरे पूरे, तो जो वृत्त हैं 66.5 डिग्री का, इसको हम क्या कहते थे, आर्कटिक वृत्त। और जो दक्षिण में था 66.5 डिग्री पर, उसको हम क्या कहते थे बेटा, अंटार्कटिक वृत्त, है ना। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, कैसे पता चला, किसने खींचा भाई, कोई पृथ्वी पर पैन लेके थोड़ी गया होगा कि पैन लेके किसी ने खींच लिया। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कोई पैन लेके थोड़ी, अब कोई ये ना कहना कि सर विश्वकर्मा भगवान ने खींची होगी, है यार ये सब बातें नहीं। तो चलो आगे देख लेते हैं। तो ये जो 23.5 डिग्री है, मैंने आपको कल बताया था कि जो सूर्य है, जिसकी लंबवत किरणें बिल्कुल सीधी किरणें जो पड़ती हैं, वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सीधी किरणें पड़ती हैं। और जो तिरछी किरणें पड़ती हैं बेटा, ये 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण पड़ती हैं। ये कैसे पता चला, ठीक है। तो ये पता ऐसे चला कि जब देखा गया, देखो बेटा, जब यहाँ पर धूप ज़्यादा होगी इस क्षेत्र में धूप ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बाष्पन अधिक होगा। जब बाष्पन अधिक होगा, सोचो जैसे कि ये बल्ब लगा हुआ है, इधर दिख नहीं रहा होगा, ये बल्ब है, ये पृथ्वी है, तो इस क्षेत्र में प्रकाश अधिक पड़ रहा है, इधर किरणें तिरछी पड़ रही हैं, इधर किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो सीधी सी बात है तापमान इधर का अधिक होगा। जब तापमान इधर का अधिक होगा तो यहाँ पर बाष्पन भी अधिक होगा, और जब बाष्पन अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी, और जब वर्षा अधिक होगी तो जो वनस्पति है वो भी तो अधिक होगी, वेजिटेशन भी तो अधिक होगा, यहाँ पर वन भी अधिक पाए जाएंगे। तो यही हमने देखा कि ये जो पट्टी थी पृथ्वी के बीच में, इसमें भरपूर हरियाली। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की लंबवत किरणें जो हैं वो इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। तो जहाँ तक ये लंबवत किरणें पड़ती थी, उसी सीमा रेखा को एक अक्षांश मान लिया गया, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। फिर जहाँ तक तिरछी किरणें पड़ती थी, उसको 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण मान, ठीक है बेटा। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि हमारा भारत कहाँ है भाई, बताओ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये रहा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत, ये है बेटा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से जाती है, आप ये देख पा रहे होंगे चित्र में, ये जो कर्क रेखा है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है, पहुंचते हैं वहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे देख लें अभी इससे संबंधित बात है। तो भारत के जो विस्तार से जो कर्क रेखा जाती है, भारत को दो भागों में बांट देती है भाई। अब देखो, जो कर्क रेखा ये है ना, कर्क रेखा आपकी, तो कर्क रेखा के जो भीतर का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय, ओके तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसके हम उत्तर में देखेंगे 23.5 डिग्री के ऊपर 66.5 तक जो क्षेत्र ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं बच्चों, उपोष्ण, देखो यार राइटिंग समझ लेना है, राइटिंग अपनी बिल्कुल हीरा मोती जैसी है, हीरा मोती भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो अब देखो, जब भारत के मध्य से कर्क रेखा जा रही है, तो कर्क रेखा के इस तरफ का क्षेत्र क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय, तो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र क्या हुआ, उपोष्णकटिबंधीय। तो आपको एक अनुमान लग गया होगा कि सर जो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र है ये कैसा होगा,
उष्णकटिबंधीय, और जो नीचे का क्षेत्र है वो कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय। तो हम कह सकते हैं कि भारत में दोनों प्रकार की स्थिति पाई जाती है, एक तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है बच्चों, चलो। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में धूप बहुत अधिक पड़ती है, तो जैसे आप कर्क रेखा के नीचे के राज्यों में जाएंगे आपको ताप अधिक झेलना पड़ सकता है ना, तो डर्मी कूल लेके जाए। तो ऊपर के क्षेत्रों में आप देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, ठंडा मौसम। अब आप कहेंगे सर ये बताओ यहाँ पर रेगिस्तान में तो मरुस्थल है, भयंकर गर्मी रहती है, कैसे आप उल्टी बातें कर रहे हो? तो उसका कारण है, देखो तापमान सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि कर्क रेखा जहाँ से गुजरी हो उसके ऊपर तो बिल्कुल एसी कूलर वाला सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर पर्वत हैं, समुद्र से कितनी दूरी है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। रेत तो नहीं है, तो यहाँ पर न तो आपके पर्वत अरावली रेंजेस हैं लेकिन वो सीधी हैं, उसका कारण मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे अभी। तो यहाँ पर बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तान है, रेत है, जिसके वजह से यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है। और भी कुछ भौगोलिक कारण हैं, आगे हम चर्चा करेंगे जब भौगोलिक इसका प्राकृतिक परिदृश्य पढ़ेंगे इसका। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर धूप अधिक पड़ती है, आप जैसे जैसे साउथ में जाएंगे गर्मी अधिक पड़ेगी, यहाँ पे समुद्र भी नज़दीक है तो होता क्या है, बाष्पन अधिक होता है। और बाष्पन अधिक होता है तो आपने देखा होगा नीचे साउथ के लोग अधिकतर लुंगी या फिर हल्के वस्त्र धारण करते हैं और हम लोग कुछ भी पहने रहते हैं। तो यहाँ के लोग अधिकतर लुंगी वगैरह, लुंगी डांस भी यहीं चेन्नई का तुमने सुना होगा है ना। और इनका खाना भी हल्का होता है, फर्मेंटेड फूड होता है इनका मोस्टली, तो ये जल्दी डाइजेस्ट कर सकें ताकि, क्योंकि उम्र ज़्यादा होगी तो डाइजेशन में भी दिक्कत होगी। तो ये सारे भौगोलिक कारण हैं और भौगोलिक कारणों के कारण ही होता ये है कि लोगों का खान पीन, लोगों का रहन सहन, यानी कि हैबिटेट जैसे हम एक शब्द में कहते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा तो हम आगे देखते हैं बेटा, अब ये मैं बिगाड़ देता हूँ। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत के समय की। ठीक है बेटा, तो हम भारत के समय की बात करते हैं। हमने ये अक्षांश देशांतर पढ़े किस लिए थे? सिर्फ इसलिए कि हम भारत की स्थिति पता कर सकें ग्लोब में, हम भारत के समय के बारे में बात कर सकें। तो जो भारत के समय की हम बात करते हैं बेटा, ये ग्लोब पे मैंने बताया था कि ये जीरो डिग्री अक्षांश है, जीरो डिग्री देशांतर है बेटा। इसको हमने नाम दिया था GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या नाम दिया गया था? जो मैंने बताया था कल आपको कि 1884 में एक बैठक हुई थी वॉशिंगटन DC में, है ना, जो कि लंदन के ग्रीनविच रॉयल वैधशाला नामक स्थान से जो ये प्रधान यामी उत्तर रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन रेखा खींची गई थी, इसी को आधार मानकर हमने पीछे, जैसे कि ये गोला है यहाँ पे, ये देखो ये पृथ्वी है, ये आपकी जीरो डिग्री है ना, तो इसके पीछे भी तो ये रेखा गई होगी है ना। तो ये जीरो डिग्री जो है इसी को हम GMT कहते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन रेखा भी कहते हैं, और इसी को हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी इसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके पीछे अब सोचो मैं इसको आधा काट दूं और बीच में खड़ा हो जाऊं और यहां से बिल्कुल अपना एक कोई धागा बांध के चारों तरफ घुमाऊं, तो क्या मैं 360 डिग्री पे घुमा रहा हूंगा? तो यहां से घूमना प्रारंभ किया इस तरीके से, तो 360 डिग्री घूम जाऊंगा मैं, है ना। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ से बढ़ूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, बिल्कुल जब बिल्कुल पीछे आऊँगा इस स्थान पर तो यहाँ पर 180 डिग्री पर मैं हो चुका हूँगा। तो इसके बिल्कुल पीछे एक 180 डिग्री देशांतर भी होगा, बस समझे। तो वो जो 180 देशांतर होगा वो इसी से जुड़ा हुआ होगा, बस इस रेखा के अलावा सारे के सारे जो देशांतर होते हैं बेटा वो सब अर्धवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे अर्धवृत्त होते हैं। ये पूछा जाता है कि अक्षांश पूर्ण वृत्त क्या होते हैं, अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं या देशांतर? तो आपको बताना है अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं लेकिन देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। अर्धवृत्त मतलब सिर्फ आधे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, ओके, पूरे घूमे हुए नहीं होते, लेकिन जो अक्षांश होते हैं वो चारों तरफ होते हैं। ठीक है बेटा, चलो। कल हमने इसके आपके प्रश्न कर ही लिए थे कि जो देशांतर होते हैं विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के मध्य दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच दूरी घटती है, क्योंकि एक, देखो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक देशांतर गया, यहाँ पे मिल गया, दूसरा जाके यहाँ मिल गया, यानी कि इनके मध्य की दूरी तो बहुत है, फिर धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं भारत के समय की, यही तो बात कर रहे थे हम।
तो आपने जो देखा जो 180 डिग्री रेखा खींची गई थी है ना, और एक 0 डिग्री खींची गई जिसको हम क्या कहते थे, प्राइम मेरिडियन। या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा कह सकते हो। तो इसके जस्ट पीछे जो खींची गई जीएमटी, ये लाइन है। अब ये लाइन सीधी नहीं है, इससे प्रश्न आ जाता है, ये लाइन बेटा सीधी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, ये डिटेल नहीं ले जाऊंगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो 180 डिग्री रेखा है, इसको 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। अब क्यों मोड़ा गया है मैं इसको बता देता हूँ। 8 स्थानों पर मोड़ने का कारण ये है कि जब ये रेखा खींची जा रही थी तो प्रशांत महासागर के मध्य होकर जा रही थी। जैसे कि आपको पता है ये रूस है हमारा और ये अलास्का है, ऐसा ये अलास्का हो गया, ये रूस हो गया। तो यहाँ से जब ये रेखा गुजारी जा रही थी तो ये रूस बीच में पड़ गया भाई साहब। और जब रूस बीच में पड़ गया तो सोचो अगर यहाँ से रूस के बीच से ये रेखा डाल दी जाती तो यहाँ पे जो बच्चे रह रहे होते, यहाँ पे जो बच्चे रह रहे होते उनके यहाँ होता सैटरडे शनिवार, और यहाँ के बच्चों के, यहाँ के बच्चे जो होते वो रविवार का दिन जी रहे होते। तो अगर यहाँ पे शनिवार होता यहाँ पे रविवार तो बुरा नहीं लगता। तो बच्चे सोचते कि बताओ यार आज हम स्कूल नहीं गए और ये स्कूल गए, हमें खेलने को मिलना बढ़िया, इन्हें नहीं मिलना, चिढ़ाते। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि ये रीजन जो मैंने आपको दिया ये फनी है, लेकिन ये समय का प्रभाव पड़ता। अगर इसीलिए स्थल खंडों को बचाने के लिए इस रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया, ठीक है। नीचे भी फिजी द्वीप को बचाया गया है, काफ़ी कुछ स्थल खंडों को बचाने के लिए इस रेखा को मोड़ा गया 180 को। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 180 डिग्री जो रेखा है, ठीक है, इसको कितने स्थानों पर मोड़ा गया? 8 स्थानों पर, स्थल खंडों को बचाने के लिए, ताकि समय निर्धारण करने में समस्या पैदा ना हो। अब देखो बेटा, जो कुल कुल देशांतर है हमने देखा था 360 है। कितने हैं बेटा? 360। तो 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे का समय लगता है बच्चा। कितने घंटे का? 24 घंटे का। तो एक डिग्री घूमने में कितना लगेगा बताइए? 24 घंटे ये हो गए, बटे हम 360 कर देते हैं, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 का गुणा कर देते हैं ऊपर। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 36, और ये 24, 4 मिनट आ गए आपके। कितना आ गया? यानी कि जब पृथ्वी एक डिग्री घूमेगी तो समय लेगी कितना? 4 मिनट। और हमें ये पता है, हमें ये पता है कि हमारे भारत का समय ग्रीनविच टाइम से, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, प्लस 5:30 चलता है। आप जब नया फ़ोन खरीदते होंगे तो आपके फ़ोन में ऑप्शन आता होगा 5:30 घंटे प्लस में या 5:30 घंटे माइनस में। अब वो प्लस या माइनस क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। सोचो बेटा, ये 180 जीरो डिग्री है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे रविवार है और यहाँ पे है आपका सोमवार। ये 180 है, जीरो डिग्री के जस्ट पीछे वाली है ना बेटा। तो देखो, अब पृथ्वी घूम कैसी रही है? पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है ना। तो सोचो ये जीरो डिग्री था, इस तरीके से घूम रही है, तो जीरो डिग्री तो निकल गया। तो पहले दिन कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे, है ना, यानी कि 180 के हाँ पूर्वी तरफ। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? दिन पड़ जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी घूमेगी, इधर पहले क्या होगा? सोमवार होगा और इधर रविवार होगा। और इसमें क्या होगा? जीरो डिग्री में पहले इधर होगा, तो पहले इधर सोमवार हो जाएगा और इधर रविवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो इसी कारण हुआ क्या, हम देखेंगे हमारा जो समय है वो 5:30 डिग्री आगे चलता है, और एक डिग्री पे कितना होता है? 4 मिनट। तो अगर हम 5:30 घंटे आगे हैं तो हम देख सकते हैं कि हम कितने डिग्री आगे हैं, जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री देशांतर से ना। तो क्या करेंगे हम, 5 घंटे 30 मिनट को अगर हम बदलेंगे मिनट में तो हमारे कितने हो जाएंगे? 330 मिनट। कितने हो जाएंगे बेटा? 330 मिनट हो गए। और 330 मिनट में अगर हम 4 का भाग दे देंगे तो आपका 82.5 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 82.5 डिग्री। यानी कि ये भारत की मानक समय रेखा है। कितने घंटे आगे थे हम? 5:30 घंटे। तो 5:30 घंटे आगे थे, यानी कि एक जब हम 4 मिनट में एक डिग्री घूम रहे हैं तो हम कितने डिग्री आगे घूमते हुए चल रहे हैं, हमें ये देखना है।
जैसे कि 0 डिग्री ये है तो हम यहाँ पे हैं, तो पहले सूर्य यहाँ होगा तो पहले सूर्य का सामना हम करेंगे, फिर 0 डिग्री पे पहुँचेगा सूर्य, तो हम कितना आ गए हैं +5.30। ओके, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से जो रेखा है जो हमने 82.5 डिग्री बताई है बेटा, ये आपकी इस प्रकार से आपकी 82.5 डिग्री है जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज भी कहते हैं। इलाहाबाद के पुल के आप बिल्कुल उस तरफ जाएंगे तो आपको नैनी मिलेगा बेटा, तो इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि हम 82.5 डिग्री पर एग्रेस करते हैं। अब बात यह है कि हर देश का एक अपना मानक समय होता है, हर देश की अपनी एक मानक समय रेखा होती है, और हर देश ये मानक समय रेखा डालने का एक नियम भी होता है बेटा कि हमेशा इसको देश के बीचों बीच डाला जाता है। दो नियम आप जब भी ये रेखा डाली जाती है, जनरल जानकारी है, कोई पेपर में आने वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन इसका पेपर में आ जाता है कि जो लाइन डाली जाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता ये 82.5 डिग्री है, हमें 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे मैंने आपको बताया 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी भी देश के साथ कि 5 घंटे 45 मिनट कोई आगे हो, नहीं हो सकता, वो 30 के गुणांक में ही होगा, 30 मिनट के गुणांक में ही होगा, या तो पूरा 5 घंटे आगे होगा, या 5:30 होगा, या पूरा 6 होगा, या 6:30 होगा, कभी ऐसा नहीं होगा 4:45, 5:30, 5:30, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो शर्तें यहाँ पर हैं। पहली शर्त यह है कि वो देश के बीचों बीच होनी चाहिए, मानक समय रेखा जैसे हमारे भारत की है तो अगर हम देखें वहाँ से यहाँ तक तो लगभग बीच में ही है। ठीक है, और दूसरा नियम ये होना चाहिए, दूसरा नियम ये होता है कि जब भी वो रेखा डाली जाए तो उसका जो गुणांक आना चाहिए वो हमेशा 30 मिनट के गुणांक की। ठीक है बेटा, ये दो नियम आप याद रखें, ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने भारत का मानक समय देख लिया, हम कितना आगे हैं ये भी हमने देखा। अच्छा, मैं आपके लिए एक असाइनमेंट देता हूँ, आपको करना है। ठीक है, आपको करना ये है, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे डालेंगे लिख करके, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि ये पूरब है भैया हमारा, मानो यहाँ पर सूर्य है और सूर्य जब यहाँ पे होगा हुआ है, हम घूम रहे हैं, है ना, ये सूरज देवता है, ये बल्ब लगा हुआ मेरा, ये सूरज देवता है, और यहाँ पे मान चलो हमारा भारत है ये, तो जैसे ही हम यहाँ पे निकले तो पहले सूर्य की रोशनी यहाँ आएगी, क्यों भाई, बाद में यहाँ आएगी, सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी फिर बाद में यहाँ पड़ेगी। तो आपको ये बताना है कि जो सूर्य की रोशनी है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरात तक आने में कितना समय लगता है। आप सबको लगभग पता होगा, नहीं पता होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, तो आप इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे अगर आपको आता है कितना समय लगता है, और जितना समय लगता है उसके अनुसार कितनी डिग्री घूमने के बाद हमारा भारत पार कर पाता होगा सूर्य की रोशनी, ये आपको काम करना है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा बेटा देख लेते हैं भारत के राज्य, भारत के राज्य, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत की तटीय रेखा, स्थलीय सीमा रेखा, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के राज्य। ठीक है बेटा, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, भारत के राज्य, भारत के राज्य हम देख लेते हैं। भारत के कुल राज्य आपको पता होगा 28 हैं, और टोटल केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं वो आपकी 9 है। ठीक है, चलिए तो देखो कुछ होता क्या है बच्चों के साथ में, आज का प्रश्न जब आएगा पेपर में कि ये बताओ मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगती है कि नहीं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है कि नहीं, फिर आप सोचते हैं आपके दिमाग में पूरी इमेज नहीं बन पाती कि कौन से राज्य की बाउंड्री कहाँ लगती है। तो आज मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे राज्यों को याद करवाने वाला हूँ कि आप जीवन में उसकी लोकेशन नहीं भूलेंगे। आप बस एक मिनट बैठ करके मेरी जो मैं कहानी आपको बताऊँगा उस कहानी को आप दोहराइएगा और आपको पूरे राज्यों की लोकेशन आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश से भाई। तो जरा आपको दिख रहा होगा, वैसे जिन बच्चों को पता हो उन्हें दिख रहा होगा, जिन नहीं पता वो ध्यान दें कि जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा ये है,
और उत्तर प्रदेश की जो आकृति है वो आप देखेंगे तो एक शेर की तरह हमें आकृति दिखती है। कैसे दिखती है भाई? एक शेर की तरह। देखो जरा, ये आगे का पैर हो गया, ये पीछे का पैर हो गया, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी आंखें और मुंह बना दें, है ना, ये देखो बिल्कुल शेर लगा आपको, तो बिल्कुल शेर की नुमा आकृति है। जब भी आपको उत्तर प्रदेश को खोजना हो आप एक शेर को खोजें, है ना, मेक इन इंडिया वाले शेर को, मोदी जी के, तो आपको ये शेर दिखा होगा। अब आपको याद ये रखना है कि शेर का जो मुंह है वो उत्तराखंड है भाई। क्या है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है भाई। तो शेर को क्या हुआ, उन्हीं पर्वतों में एक हिरण दिखा, और शेर ने शिकार कर लिया, और जब शेर ने शिकार किया तो हुआ क्या, ज़्यादा खा गया, बहुत दिनों शिकार किया था तो उसका हो गया पेट खराब। जब पेट खराब होता है तो आपको पता ही है क्या होता है, तो हो गया उसका भी नॉर्मल। तो जब उसके साथ में ये घटना घटी, नहीं संभल पाया बेचारा, तो जो गंदगी उसने फैलाई वो फैलाई कहाँ पे, बिहार में। काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा जनरल बोगी में जब हम सफ़र करते हैं कुछ बिहारी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के सारे लोग ख़राब हैं या गंदे हैं, ऐसा नहीं, बस मैं अपनी ट्रिक के माध्यम समझाने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। कोई बिहारी अगर हो भी तो ये बुरा ना माने, ठीक है। तो जो उसने गंदगी फैलाई तो वो बिहार में फैलाई, कहाँ फैलाई भाई, बिहार में, क्योंकि पीछे ये है, गंदगी कहाँ फैलाएगा अपने पीछे, तो बस गंदगी कहाँ फैलाई उसने, बिहार में। तो आपको याद हो गया होगा कि ये बिहार है। क्या है भाई, मैं स्टेट के नाम ना भी लिखूँ, मैं बोलने के बाद आपको पूछूंगा, आपको एग्जैक्टली याद आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बताओ भाई, शेर का मुंह क्या था, उत्तराखंड, शेर क्या था, उत्तर प्रदेश, शेर ने गंदगी कहाँ फैलाई, अरे गंदगी पीछे फैलाएगा, पीछे क्या था, बिहार, और बिहार वालों ने क्या किया, उस गंदगी को झाड़ पहुँच के कहाँ कर दिया, एग्जैक्टली झारखंड में, कहाँ कर दिया भाई, देखो आपके मुंह पे बिल्कुल नाम आया, झाड़ पहुँच के कहाँ किया, झारखंड में किया। जब झारखंड में किया तो हुआ क्या, ये पड़ोसी जो इसके थे झारखंड के, वो उनमें से एक आदमी था जो छत पे चढ़ के अपने सब कुछ देख रहा था, आ गया ना नाम, तो छत पे चढ़ के कौन देख रहा था, छत्तीसगढ़, कौन देख रहा था बेटा, मैं आधा नाम लिखूंगा, पूरा लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ के लोग समझ गए कि अभी तो झारखंड के पास गंदगी आई है, तो लगता है इसके अपने पड़ोसी को भी गंदगी ये झाड़ पहुँच के कर देंगे झारखंड वाले। तो छत से देख करके छत्तीसगढ़ ने अपने पड़ोसी से कहा, भाई ओढ़ के सो जाओ, बदबू आने वाली है, भयंकर वाली, तो ओढ़ के सो जाओ, सुनते ही आपके दिमाग में एक राज्य आया होगा, बिल्कुल सही, उड़ीसा, कौन सा, उड़ीसा, तो उड़ीसा आपके दिमाग में आया। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, तो मैंने बताया था शेर कौन, उत्तर प्रदेश, शेर का मुख कौन, उत्तराखंड, शेर ने क्या किया था, शिकार, गंदगी कहाँ फैलाई थी, बिहार में, फिर बिहार वालों ने क्या किया था, अरे गंदगी कौन रखेगा अपने घर में, झाड़ पहुँच के झारखंड में कर दिया, और झारखंड वालों ने क्या किया, जब झारखंड के पास गंदगी आ गई तो छत्तीसगढ़ वालों ने अपने छत से देख लिया, छत से किसने देखा था, छत्तीसगढ़ वालों ने, और सलाह क्या दी थी पड़ोसी को कि तुम ओढ़ के सो जाओ, तो कौन सा पड़ोसी, उड़ीसा भाई। तो देखो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी किनारे के कुछ राज्य याद हो गए। मैं बस 3 से 4 कहानियाँ आपको इसमें जोड़ूंगा, एक कहानी जोड़ दूंगा तो आपको सिरे से लेकर के अंत तक याद नहीं रहेगी, इसका मुझे पता है, याद होती तो अभी तक तो सीधे याद ही हो जाती। तो मैं 3 से 4 कहानियाँ छोटी छोटी सी जोड़ूंगा, आपको याद रहेगा। अब दूसरी कहानी हम प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, आप ये बताएं कि पूरे राजपाट में या पूरे समाज में सबसे बड़ा होता कौन है, राजा। तो अगर राजा सबसे बड़ा होता है तो आपको पूरे मैप में सबसे बड़ा कोई राज्य दिख रहा होगा, सबसे बड़ा तो राजा होता है, तो राजस्थान क्या दिख रहा भाई, तो राजस्थान हो गया अपना राजा, ठीक है। देखो राजा से ही हमने शुरुआत करी थी, उत्तर प्रदेश की, शेर भी तो राजा ही होता है जंगल का, तो राजस्थान से हम शुरुआत करते हैं। तो एक राजा था और राजा ने अपने गुलाम को, गुलाम सुनते ही दिमाग में क्या आया, गुजरात, तो राजा ने अपने गुलाम गुजरात से कहा, ये रहा गुजरात, राजा ने अपने गुलाम गुजरात से कहा कि जाओ भाई महामंत्री को बुला के लाओ, किसको बुला के लाओ, महामंत्री को। अब राजा ने अपने गुलाम से कहा कि महामंत्री को बुला के लाओ, तो महा सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा महाराष्ट्र, क्या आया होगा बच्चा, महाराष्ट्र, तो जाओ महामंत्री को बुला के लाओ। महामंत्री के पास जैसे ही आदेश पहुंचा कि चलो भाई राजा साहब ने बुलाया है, महामंत्री तो खाना बना रहे थे, बड़बड़ा गए, बोले यार काफत आ गई रात बिरात, ठीक है ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, आप लोग ना समझ सके ना तो प्रयास ना करें। तो महाराष्ट्र जो है
घबरा गया, यानी कि महामंत्री जो है घबरा गया कि क्या बात ऐसी पड़ गई। तो फिर क्या हुआ, ये जो खाना बना रहे थे, बना क्या रहे थे, ये पाव भाजी बना रहे थे और करेले बना रहे थे। तो उसमें इनने हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया, और तेल डाल दिया पूरी पाव भाजी बेकार कर ली, एकदम जला दी, करिया कर दी, बुंदेलखंडी भाषा है करिया, ठीक है। तो मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा तेलंगाना बनाना था बेटा, ठीक है। तो देखो, जब ये पाव भाजी बिल्कुल करिया हो गई, काली हो गई, तो करिया से हमें याद आएगा कर्नाटक, क्या याद आएगा बेटा, कर्नाटक। तो महामंत्री क्या बना रहा था, पाव भाजी। वैसे आप ये भी याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की पाव भाजी वहाँ का फूड है, अच्छा खासा फूड है, लोग खाते हैं वहाँ पर बहुत अधिक पाव भाजी। तो महाराष्ट्र, महामंत्री डर गया, तो महामंत्री बना क्या रहा था, पाव भाजी बना रहा था, करेले बना रहा था, वो दोनों जल गए, बहुत अधिक तेल भी डाल दिया था। तो उसने कहा अब क्या करें, तो उसने जो सामान जल गया था, जो खाना उसका जल गया था, उसने डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा। तो उसने तेल तो दे दिया भाई तेलंगाना को, तेल तेल निकाल के तेलंगाना को दे दिया, जो करिया पाव भाजी थी वो कर्नाटक को दे दी, जो करेले थे वो दे दिए केरला को। तो इन दोनों ने तो कुछ नहीं कहा, भाई महामंत्री दे रहा है, राजा का खास आदमी, कौन पंगा ले, वो ले लिया आराम से, वो खा पी लिए, नहीं तो फेंक दिए, करेले भी ले लिए और पाव भाजी भी ले ली। तो जो तेल दिया था तेलंगाना वालों को, इन्हें नहीं बचा, बोले यार ऐसा है कि तेल तो देखो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बीमारियाँ होती हैं और बेकार तेल है। तो इनने क्या किया, इनने सोचा कि महामंत्री को वापस तो देखो कर नहीं सकते ना, मना कर सकते हैं, तो करते ये हैं किसी और को दे देते हैं जो ये जान ना पाए कि इसमें कितना तेल है क्या है। तो इनने अंधे लोगों को तलाशा, तो अंधे लोग मिल गए भाई ने तेल देने के लिए। वो कौन थे, आंध्र प्रदेश के लोग थे भाई, वो कौन थे, वो आंध्र प्रदेश के लोग थे। तो अब आंध्र प्रदेश के लोगों ने वो तेल ले लिया, तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि भाई हम अंधे ज़रूर हैं लेकिन ऐसा खाना नहीं खाएंगे। तो इनने भी तेल अपने नीचे दे दिया पड़ोसियों को, और उनने उस तेल का सेवन कर लिया, और तभी वो लोग तमिल कहलाए, तमिलनाडु के लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने ये मध्य का एक राज्य छोड़ दिया है, बेटा मध्य से आपको वैसे ही दिमाग में आ गया होगा, मध्य प्रदेश यानी कि MP जो बिल्कुल मध्य में है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब देख लेते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। तो राजा ने अपने गुलाम गुजरात को आदेश दिया कि जाओ महामंत्री को बुला कर लाओ। तो जब महामंत्री को बुलाया गया तो वो क्या बना रहा था, पाव भाजी और करेले, जल गए, करिया पड़ गए, किसको दिए, कर्नाटक को, करेला केरल को, तेल तेलंगाना को। तो तेल की कहानी चलेगी भाई लंबी, तो तेल तो इनने खाया नहीं, किसको दिया फिर, जो देख ना सके, अंधे लोगों को, लेकिन अंधे लोगों ने भी नहीं खाया लेकिन वापस नहीं किया, वो किसको दिया, तमिल के लोगों को। तो ये तमिलनाडु, आपको ये राज्य इतने याद हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। तो आगे के कुछ राज्य हम देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारा JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, अब लद्दाख ये अलग हो गया है, पहले साथ में ही था, तो मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो स्टोरी मेरी थोड़ी पहले की है। तो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि प्रकाश की सीधी किरणें बस यहाँ तक पड़ती हैं, ऊपर तिरछी पड़ेंगी, सर्दी ज़्यादा रहेगी, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर ठंडा प्रदेश है भाई, तिरछी किरणें पड़ेंगी, बर्फ़ इतनी पिघलेगी नहीं, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पर बर्फ़ अधिक पड़ेगी। तो फिर जो बर्फ़ है वो पिघली, और बर्फ़ पिघल के कहाँ पर आई, बर्फ़ को हिंदी में क्या कहते हैं, हिम। तो हिंदी में बर्फ़ को कहते हैं हिम। तो जो हिम पड़ी, आपको याद रहेगा जम्मू कश्मीर ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी उसको हम हिम कहते हैं, तो हमें याद आएगा हिमाचल प्रदेश, क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जो बर्फ़ गिरी बेटा, वो कभी ना कभी तो पिघलेगी, वो जब पिघलेगी तो वो पाँच नदियाँ बनाएगी, वो जब पाँच नदियाँ बनाएगी तो आपको याद आएगा पाँच नदियों का हम राज्य कैसे कहते हैं, पंजाब। तो ये क्या हुआ अपना पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद में जब पांच नदियां यहां बहकर आती हैं, और जब वो पांच नदियां किसी बड़े से भूखंड को सिंचित करती हैं, तो निश्चित रूप से ही वो भूखंड हरियाली से लहला उठेगा। वो हरियाली आपके दिमाग में आते ही एक राज्य का नाम आता होगा, हरियाणा। क्या आता होगा भाई, ठीक है। अब देखो, आपके पूरे मुख्य भूमि जो है उसके सारे के सारे राज्य याद हो चुके होंगे। अब ईस्टर्न यानी कि सेवन सिस्टर, जिनको हम सात बहनें भी कहते हैं, वो याद हो गए होंगे। अब आप सोचते होंगे सर ने गोवा छोड़ दिया, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जो राज्य थे उसको फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, बताओ भाई शेर क्या था, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुँह क्या था, शेर का मुँह क्या था, उत्तराखंड। शेर के पीछे क्या था, बिहार, जहाँ उसने गंदगी फैलाई थी, वो गंदगी झाड़ पहुँच के कहाँ कर दी थी, झारखंड वालों के पास। तो झारखंड वालों ने क्या, झारखंड वालों के पास जब गंदगी कर दी थी,
तो छत्ती किसने देख लिया ये सब करते हुए? छत्तीसगढ़ वालों ने। जब छत्तीसगढ़ वालों ने छत से देख लिया तो उनने सलाह क्या दी थी कि भाई ओढ़ के सो जाओ। किसको? पड़ोसी को, अपने बगल वाले पड़ोसी को दी थी सलाह। तो ये लोकेशन बिल्कुल दिमाग में एग्जैक्ट याद हो जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है? तो पड़ोसी को सलाह दी उड़ीसा के, ओढ़ के सो जाओ वरना बदबू तुम्हारे पास भी आने वाली है। उसके बाद में ये कहानी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं इधर। राजा ने अपने गुलाम गुजरात से कहा कि जाओ भाई महामंत्री के पास जाओ और बुला कर लाओ। तो महामंत्री घबरा गया था, जो खाना बना रहा था करेला और पाव भाजी, तो करेला जल गए थे, करिया पड़ गए थे, कर्नाटक वालों को दे दिए थे करेला, और सॉरी पाव भाजी कर्नाटक वालों को दे दी थी और करेला दे दिए थे केरला वालों को। जो तेल बचा था वो तेलंगाना को दिया, लेकिन तेलंगाना वालों ने खाया नहीं, वापस भी नहीं किया क्योंकि महामंत्री था। तो वो तेलंगाना वालों ने अंधे लोगों को वो तेल दे दिया था खाने के लिए, लेकिन अंधे लोग तो थे, तेल को टेस्ट तो कर सकते थे, उनने भी नहीं खाया। उनने जिस पड़ोसी को दिया उसने खा लिया, जिसने खा लिया वही तमिल कहलाया, वही तमिलनाडु, ठीक है? तो ये राज्य हमें याद हो गए, बस कहानी आपको याद रखना है थोड़ी सी। आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक राज्य छोड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल, वो मैं कहानी में किसी कारण एडजस्ट नहीं कर सका, तो आपको याद रखना है ये हमारा पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर हमारा सिक्किम। सिक्किम की भाई अपनी कहानी है, ठीक है? इसके आजादी के चर्चे हैं, बताएंगे हम आपको हिस्ट्री में। तो देखते हैं आगे। ये सात बहनें हैं, इनको सात बहनों के नाम से पुकारा जाता है, सेवन सिस्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। इसको भी मैंने कहानी में फिरो दिया है आपकी सुविधा के लिए, देख लेते हैं। ये बेटा बीच में बिल्कुल मध्य में, आपको यहाँ से जाना, जैसे ही आप पश्चिम बंगाल से एंटर करेंगे आप ईस्टर्न जो पोर्शन है इंडिया का आप आसाम में एंटर करेंगे। तो ये आसाम है, तो आसाम से आपको याद रखना है। आसाम के जंगल में एक अरुण नाम का लड़का था। कौन था? आसाम के जंगल में अरुण, बच्चे यहाँ भूल जाते हैं राज्य, अब नहीं भूलोगे लेकिन, आसाम के जंगल में अरुण नाम का लड़का था। तो क्या हुआ? उसको एक नागा बाबा से मणि मिली। किससे? जंगल में नागा बाबा रहते हैं भाई तपस्या करने के लिए, थोड़ा वर्ड ऑकवर्ड है बट डोंट माइंड, ठीक है, पढ़ाने का बस तरीका है। तो आसाम के जंगलों में अरुण नाम के लड़के को नागा बाबा से मणि मिली। अब देखो आसाम हो गया, अरुण नाम के लड़के को अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागा बाबा नागालैंड हो गया, मणि मणिपुर हो गया, मिली मिजोरम हो गया। अब यहाँ पर बस दो राज्य बचे हुए हैं आपके, एक तो त्रिपुरा और एक बोलो मेघालय। बस ये आपको राज्य याद कर लेने हैं, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है बेटा? तो मुझे लगता है आपको सारे राज्य याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर गौर करने की दो बातें और हैं जिनको आप गौर करें, उसके बाद मैं अपनी क्लास पूरी करता हूँ। देखो बेटा, ये जो हमारी रेखा जा रही है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो प्रश्न ये आता है कि ये किन किन राज्यों से होकर जाती है। कुछ बच्चे, मैंने भी YouTube पे देखा था, एक ट्रिक थी कि मित्र पर गमछा झार, है ना, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाता क्योंकि वो हमें क्रम याद नहीं करवाती और हम परीक्षा में सही उत्तर नहीं दे पाते। इस वजह से मेरी एक ट्रिक है, आप उसको गौर करें। गरम छाछ पी मित्र, आप इस ट्रिक को याद करें। बेटा गा से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे मित्र में एक लफड़ा है, त्रा आपको इधर करना है और मी इधर करना है, तो फिर ये हो जाएगा त्रिपुरा और हो जाएगा मिजोरम। तो आप देख पा रहे होंगे कुल आठ राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है बच्चों? तो आठ राज्यों से हमें याद हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि 82.5 डिग्री जो है हमारा मानक समय, हमारी जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है, लेकिन कितने राज्यों को पास करती है, कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर से देखेंगे बेटा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल पांच राज्यों से। कितने राज्यों से बेटा? पांच राज्यों से, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा भारत की स्थिति और इसके अंतिम बिंदुओं की बात करूंगा। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भारत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, तो जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक है वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और जो आपका जो विस्तार आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये है हमारा 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर हम इसको घटा लें 3214 2933, अगर हम इसको बेटा घटा लेते हैं तो आप देखेंगे कि 281 आपका आएगा, है ना। यानी कि 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर आपकी चौड़ाई जो है वो कम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत की जो स्थिति है, जो भारत का आकार है, आकृति है, वो कैसी होगी? भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोण। ये बात सिद्ध करती है, 281 किलोमीटर चौड़ाई का कम होना ये सिद्ध करता है कि हमारे भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, जो भारत का सबसे पूर्व, अब मैंने पहले आपको राज्य इसलिए पढ़ाए थे कि आपको पहले बता था बेटा ये गुजरात है, गुजरात का पश्चिमतम बिंदु गौरमोथा कहलाता है। आपको पता ही नहीं चलता शायद, आपको राज्य ना याद हो, इस वजह से पहले मैंने आपको राज्य पढ़ाए, उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे जो पूर्वी बिंदु है या सबसे पूर्वतम बिंदु जो हम कहेंगे, वो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथू को। किसको कहेंगे? किबिथू को। वो जो किबिथू है, जो हमारा किबिथू है, बताओ यहाँ से कौन सा देशांतर होके जाता है? मैंने बताया था, अरे बोलो, बिल्कुल सही, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर होके जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। और पश्चिम में हम देखेंगे गुजरात का जो सबसे अंतिम, जो सबसे पश्चिमतम जो बिंदु है, उसको हम कहते हैं गौरमोथा। कुछ किताबों में सर क्रीक भी लिख के आता है, आप सर क्रीक भी उत्तर कर सकते हैं। ये जो रण के कच्छ के ऊपर जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं वो आपका पूरा सर क्रीक है, ज्वरनदमुख, सॉरी मैं भूल गया था, एस्चुरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये एक ज्वरनदमुख है। और उसी ज्वरनदमुख के ऊपर पाकिस्तान भी क्लेम करता है, हमारा भारत भी क्लेम करता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेकर के। तो ये जो क्षेत्र है विवादित है, तो कुछ किताबों में सर क्रीक दे देते हैं, कुछ में नहीं दे देते हैं, लेकिन गौरमोथा आपका सही है। गौरमोथा मिलेगा तो आप गौरमोथा लगाएं, सर क्रीक मिलेगा तो आप सर क्रीक लगाएं। अच्छा, ये जो यहाँ पे देशांतर बेटा गुजरता है, इस देशांतर को, ये जो देशांतर है ये कितने डिग्री पर गुजरता है? कल मैंने आपको पढ़ाया था 68 डिग्री 7 मिनट पर। कितने पर? 68 डिग्री 7 मिनट पर। इसी तरह हम देखते हैं कि लद्दाख से होकर के हमारा एक अक्षांश जाता है, ठीक है, वो जो उत्तरतम जो भारत का बिंदु है इसको हम इंदिरा कौल कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये उत्तरतम कैसे हो गया? उत्तरतम तो हमारा JNK में होना चाहिए। बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसको हम POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इस वजह से हम इस क्षेत्र पे अपना अधिकार नहीं बता सकते, ठीक है, ये विवादित है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत का नहीं है, भारत का ही है बेशक, ठीक है, लेकिन ये विवादित है। इस वजह से जो भारत का उत्तरतम बिंदु माना जाता है वो इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं, ये आपका हो गया। तो जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ये हमारा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ये जो यहाँ से जो आपका अक्षांश होकर के गुजरता है, उस अक्षांश को हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। तो क्या ये भारत का वास्तव में दक्षिणतम बिंदु है? नहीं, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है बच्चों, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हम नहीं कह सकते। कारण ये है कि भारत का तो अंडमान निकोबार भी है, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा होगा। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कि जो अंत में आपको एक छोटा सा ये टापू दिख रहा होगा, एक द्वीप दिख रहा होगा, इस द्वीप का जो अंतिम बिंदु है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन
पॉइंट या फिर पारस पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी। 2004 में बाढ़ आने से पहले इसको हम लोग पिग्मेलियन और पारस पॉइंट के नाम से जानते थे, लेकिन जब बाढ़ आई उसके बाद में कुछ भौगोलिक परिवर्तन हुआ जिसके कारण अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया है। ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो ये जो अक्षांश यहाँ से होकर के बेटा जाता है, इसको हम कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ, हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, अब बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 डिग्री 45 मिनट। तो देखो बेटा, जैसे कि ये हमारी, मैंने बताया था कल 0 डिग्री अक्षांश नीचे जाता है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है, क्या जा रहा है 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर फिर 0 से क्या आएगा, 1 डिग्री पे कोई अक्षांश गया होगा, 2 डिग्री पे कोई अक्षांश गया होगा, कोई 3 डिग्री पे। तो फिर ऐसे ऐसे पहले कौन सा पड़ेगा, सबसे नीचे क्या पड़ेगा, अंडमान निकोबार का ये इंदिरा पॉइंट। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट है, इसके ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनकी चर्चा मैंने करी। तो कल हम फिर मिलते हैं नई क्लास में, तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।